आप सभी का न्यूज 21 में मैं हूं आपके साथ हर्षदा और खबर भीलवाड़ा की मांडलगढ़ से, जहां पर न्यूज 21 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। खनिज विभाग की टीम ने अवैध बजरी और सैंडस्टोन के वाहनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में आधा दर्जन वाहनों पर कार्रवाई कर जब्त कर लिया गया और पुलिस को सुपुर्द किया। आपको बताते चले कि मांडलगढ़ इलाके में बजरी माफिया के खिलाफ खबर को न्यूज 21 ने प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद खनिज विभाग हरकत में आया। बिजौलिया खाना खनिज विभाग के फोरमैन गिरिराज मीणा ने बताया कि जब्त किए गए वाहनों पर करीब 20 लाख का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। जब्त वाहनों को काछूला, मांडलगढ़ और बिजौलिया थाने को सुपुर्द किया गया। खनिज विभाग टीम की बजरी और सैंडस्टोन के अवैध खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई जारी। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पीरू मोहम्मद मंसूरी। पीरू, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बड़ा असर देखने को मिला है, न्यूज 21 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। ये मालगढ़ के पास बलिया थाना क्षेत्र के पास बनास नदी निकलती है। बनास नदी में बजरी माफिया ने लंबे वक्त से अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। यहाँ से रोजाना सैकड़ों बजरी बड़े डंपर ट्रेलर ट्रैक्टर कोटा बूंदी और झालावाड़ और मध्य प्रदेश तक इनकी सप्लाई की जाती है, लेकिन इनको रोकने वाला सड़क पर कोई प्रशासन का हमला नजर नहीं आता है। तो फिलहाल आगे और किस तरह की कार्रवाई पीरू मोहम्मद यहां पर होने वाली है, इस मामले को लेकर न्यूज 21 ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद खनिज विभाग की टीम हरकत में आई और अलग अलग छापेमारी में करीब आधा दर्जन अवैध बजरी के और सैंडस्टोन के वाहनों को जब्त करके थाने में खड़ा किया गया है और इनसे 20 लाख रुपए करीब की जुर्माना राशि वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया पीरू जानकारी के लिए। तो मांडलगढ़ से न्यूज 21 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला था, जहां अवैध बजरी पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई को करते हुए तमाम आगे की